अज असी 28 दिसंबर के दिन सिख तारीख से रिकॉर्ड की घटनावां दा चर्चा करांगे। सब तो पहली घटना साढ़े को 1620 की है। 28 दिसंबर 1620 के दिन गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले तो अक्तूबर 1619 रिहा होने एक साल दो महीने बाद जिहड़े अमृतसर आए उन्होंने जनवरी 1613 अमृतसर तो चले सन गुरु का चक तो सो यह जिहड़ा 7 साल बाद क्योंकि 6 साल वो ग्वालियर किले दे कैद रहे हैं उस तो बाद पहली बारी अमृतसर आए हैं। जिहड़ा आम कहिंदे ना गुरु हरगोबिंद साहब के अमृतसर आने से दिवाली वाला दिन से दीपमाला की बिल्कुल झूठ है। वह 28 दिसंबर जिहड़ा है वह 1620 के दिन जिहड़े आए हैं क्योंकि उतों ग्वालियर तो चल के आगरा और उस तो बाद सारे पासे रहिंदे हुए गोइंदवाल तो बाद करण और जहांगीर ना मिले आ और उस तो बाद जिहड़ा वह गुरु हरगोबिंद साहब कश्मीर भी गए कश्मीर तो वापस आके जिहड़ा वो जिहड़ा उन्होंने उत्थे आके जिहड़ा अमृतसर का पहला चक्कर लाया है। तो 28 दिसंबर जो अमृतसर आए हैं तो यह गुरु साहब का पहला दौरा सीगा अमृतसर का और यदा साढ़े को पट में रिकॉर्ड भी है एग्जैक्ट डेट दी है एग्जैक्ट बंदे भी दसे भी कौन कौन सी वो लिखे है परगना पटवई तलौंडा परगना जींद लिखे है गुरु हरकिशन जी महल छठा बेटा गुरु अर्जन जी का संबत 1617 माघ प्रविष्ट पहली के द्यों हेहर नगरी से चलकर गांव गुरु के चक परगना निजर आला चाया गैलों अर्जनी दास बेटा मोहरी जी का मोहरी जिहड़ा सजांदे गुरु परिवार दे विचों सीगा मोहन मोहरी गुरु अमरदास साहब दे बेटे सन सो अरजानी बेटा मोहरी जी का मेहरबान बेटा प्रिथी चंद मीने दा बाबा बुढ़ा रामदास दा बेटा सुगे रंधावे का भाई गुरदास गुरदास बेटा ईशे दास भल्ले का बंधू राय बेटा मूलचंद जलाने का बंधू राय भाई मन सिंह दादा सीगा कौलजी दास बेटा अंबीए हजावत का यह चौहान जिहड़े सन आलम सिंह नचना चौहान का परिवार सीगा उहदे वड्डे वडेरे सन होर सिख फकीर आए गुरु जी के आने में खुशी में दीपमाला की दरबार साहब में दिया बाती की सेवा मेहरबान की लाई गुरु जी ने तीजे दिन गुरु का चक से विदाईगी ली और गोइंदवाल चले गए। दो दिन गुरु साहब रहे 28 दिसंबर नूं आके 28 दिन 31 दिसंबर नूं गुरु साहब जी ने उत्थों पैदल जिहड़े गोइंदवाल वाल चल पए ने। सो जिहड़ी दिवाली वाली गल है बई दिवाली वाले दिन आए सन बिल्कुल झूठ है गुरु साहब जिहड़ा 28 दिसंबर वाले दिन आए सन तो 28 दिसंबर नूं बिल्कुल दिवाली नहीं सी। 28 दिसंबर की घटना साढ़े को 1711 की है। असी जानते हैं कि बंदा सिंह बहादुर ने जिहड़ा सरहद वगैरह से बहुत सारे इलाके जित रहे सन उस तो बाद बहादुर शाह जिहड़ा अपनी बड़ी वड्डी फौज लैके 90-95 हज़ार फौज लैके उहदा पिछे आ रहा सीगा तो बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा उसने अपना इन्ना नुकसान करन दी बजाय उसने कहा भी ये इत्थे खड़े रहन एक घेरा पाई रखन एक छोटी जी पहाड़ी ते कब्जा करके उंज वैसे वो चले भी गए सन बादशाह बहुत दूर रहा सीगा। तो बंदा सिंह बहादुर है इन्हों दिनों जिहड़ा नाहन दियां पहाड़ियों चों निकल के जिहड़ा पहाड़ी रियासत में चला गया ते तां जो उन्हां ते कब्जा किया जा सके कब्जा कर भी लिया उन्हें। तो जदों दसंबर 1711 इस तो एक साल बाद दसंबर 1711 च जदों बंदा सिंह बहादुर पहाड़ा में सीगा तो उहदा पिछा करदियां करदियां जिहड़ियां मुहम्मद अमीन खान जिहड़ा है वह फौज का वड्डा जरनैल सी दिल्ली का बादशाह का मुगल बादशाह का सब तो वड्डा जरनैल मुहम्मद अमीन खान सीगा और उसने भी बंदा सिंह बहादुर का पिछा करना शुरू करता। तो 28 दिसंबर 1711 के दिन जिहड़ा इहदियां फौजां बरसाना नदी जिहड़ी है बिलासपुर के नेड़े है उत्थे कंढे जिहड़ा उन्हें अपना डेरा लाया सीगा तंबू कढे होए सी तो जदों सिखां नूं पता लगा तो उन्होंने मुगल फौजां ते हमला कर दिता। इस मौके ते तीरां ते बंदूकां दी खूब वरखा हुई तकरीबन 500 सिख शहीद होए आ। शहीद होने वाले सिखां च केशव सिंह पुत्र भाई चित्तर सिंह पोता भाई मणि सिंह ते बाग सिंह जिहड़ा पुत्र उदय सिंह पोता भाई मणि सिंह जिहड़ा उह वी मारे गए सन। शाम पैण तों बाद सिख जिहड़े ने दरिया पार करके बिलासपुर चल गए। हालांकि दोनों पासे कुछ नुकसान होया सीगा ते बहादुर शाह नूं खुश करन लई मुगल फौजां दी जित कह के उन्होंने इस नूं अपनी शान बनाने की कोशिश की गई। जिहड़े 500 सिख मारे गए सन उन्होंने सिर कटवा के जिहड़ा बादशाह नूं भेजे गए तां जो उहदे कोल इनाम लिया जा सके। इन्हां जिहड़ा कटे हुए सिरां दी जिहड़ी नुमाइश है 12 जनवरी 1712 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸਿੰਡਾ
कुछ गुलाम थे, कुछ जड़ाऊ थे, सोने दी चीजें जी इन्हें दोनों दान पुन भी कीतियां। मैं तो छोटी जी जितनों भी जड़ा है उन्हें बादशाह ने बड़ी वड्डी जड़ी मनिया। उसकी वजह यह है बी उन्हां दिनां च बहादुर बंदा सिंह बहादुर जड़ा इनिया कामयाबी हासिल कर रहे थे कि बहादुर शाह मुगल बादशाह जड़ा है वह छोटी जी भी एक निकी जी कामयाबी मिल जाए तो उस तो ही बड़ा खुश हो जाया करता सी। और जदों अखीर उसकी यह हालत हो गई भी बंदा सिंह बहादुर को कुछ ना कर सकिया तो अखीर वह पागल होकर मर गया तो वो पुत्रां जंग हुई गल वक्री है। 28 दिसंबर 1929 की गल है कि कलकत्ते कन्वेंशन हो रही थी सिर्फ पार्टी कांग्रेस खास करके कांग्रेस पार्टी की कन्वेंशन सी। उन्होंने दिन से नहरू रिपोर्ट आई सी जिसे सिखा के वक्रे जिहड़ियां सीटां पंजाब च भी नहीं सन रखी गई तो इस करके तो सिख बड़े औखे सन। नहरू रिपोर्ट वापस लैन की मांग कर रहे सन। जदों एक गल ना मनी गई तो क्योंकि दिसंबर की 28 तरीक 1929 कलकत्ते कन्वेंशन हुई उत्थे भी इन्होंने कोशिश की थी भी एक रेजोल्यूशन पास करके भी जी पंजाब सिखा जिहड़ियां 51 फीसदी मंगिया तो 51 सी तो फिर अखीर घट से भी आ गए सन। यानी उन्होंने भी स्पैशल राइट दिते जान पंजाब उन्होंने। तो जदों ये गल जी चलती रही तो ये वास्ते एक मता भी पेश किया गया। एक सब कमेटी पहला तो बनाई गई। इस कमेटी जो जिन्हें नहरू रिपोर्ट बनाई थी जवाहरलाल नहरू का पिता मोती लाल मदन मोहन मालविया तेज बहादुर सपरू मोहन दास करमचंद गांधी तो मौलाना बरकत अली मौलाना अब्दुल कादर मौलाना आजाद मौलाना जफर अली मास्टर तारा सिंह ज्ञानी शेर सिंह हरनाम सिंह एडवोकेट तो मंगल सिंह शामिल किए गए। इस सब कमेटी ने बैठ के गल्लां कीतियां पर कोई नतीजा ना निकलिया। तो अखीर जदों इस मीटिंग से देखिया भी कुछ नहीं हो रहा तो जिन्हा भी जोड़ा वो भी हाजिर सेगा जिन्हों ने कांग्रेस की इस मीटिंग बाइकाट किया उठ के वह चला गया। फिर दोबारा जिन्हा आ गया तो जो मीटिंग शुरू हुई तो जिन्हों ने बहुत खूबसूरत तकरीर की जिसे अपना बहादरी का अपना केस पेश किया भी मुसलमानों को पंजाब से मेजोरिटी मिलनी चाहिए है बंगाल मिलनी चाहिए है। तो इस तो सरदार बहादुर मेहताब सिंह जोड़ा उन्हें क्योंकि सरकारी वकील से डिप्टी चेयरमैन से कौंसल पंजाब का और आर एम आर जैकब ने अपनी तकरीर की जिन्हें जिन्होंने जिन्हों सारे तकरीरों रद्द किया भावें कुछ मैंबर बहुते मैंबर जिन्हों के गल के खिलाफ हो गए सन पर सब कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। अखीर जब सिख डेलीगेटा ने वेख्या कि जड़े ने हिंदू आगू मुसलमानों खुश करने वास्ते सिखा बे इंसाफी कर रहे हैं तो आपस बैठ के उन्होंने मशवरा किया कलिया चारा बंदियां ने तो इन्होंने कहा भी सानू जो साझा स्टैंड लेना पेगा। तो मेहताब सिंह ने एक रेजोल्यूशन पेश किया सैक्टर सिख लीग वालों बी भारत के अगले आइन फिरकू वंड हर तरह से हर पास उड़ा दी जाए भी कोई फिरका प्रति वोट हर किसी भी सीट पर कोई भी खड़ा हो सका है तो नहरू रिपोर्ट में इस बिना से अदला बदली की जाए ये उन्हें रेजोल्यूशन रखा। यह तरमीम जी ना मनी गई तो जो ये ना मनी गई तो सेंट्रल सिख लीग वालों सरदार मेहताब सिंह ने खड़े होकर कहा भी असी इस तो अपना जी हमायत वापस लेने और ना ही जान लगे हाँ। उन्हें मेहताब सिंह ने एक बड़ी हैरानी की गल भी एडी जरूरत वाला बंदा उन्हें कहा गांधी तो जिन्हा मुखातिब कर कहना भी तुम दोनों जने सुन लो भी सिखा की गल ना सुनोगे तो भारत दियां वड्डियां कलकत्ते बह के कलम नाल नहीं तलवार नाल होणगियां वो ये कह के बाहर निकला। खैर नतीजा यह निकल के बाद जी नहरू रिपोर्ट वापस जी ले गई सी। खैर साढ़े को 1944 की 28 दिसंबर की घटना है कि दरबार साहब चिट्ठी आई विदेशों चो भी सानू डाक नहीं जो गुरु ग्रंथ साहब भेजना की इजाजत है कि नहीं तो 28 दिसंबर 1944 दिन दरबार साहब की कमेटी ने एक चिट्ठी नंबर 41/25 तो 67 तक जोड़ा 1900 जी चिट्ठिया सारे पास भेजे 67 रही कि भी लौड़ पैन से गुरु ग्रंथ साहब दीड़ा पार्सल राही बाहर भेजिया जा सकदियां हन। यह गल कृपाल सिंह ने पंथक मत किताब में 38 सफ़े से दर्ज भी की है। 28 दिसंबर 1986 की घटना है कि ब्रह्मपुरा जोड़ा है क्योंकि पुलिस जी है एक सिंह ब्रह्मपुरे का सी अवतार सिंह ब्रह्मा उन्होंने फड़न वास्ते फिरती सी उन्हें आके उत्थे गुरुद्वारे दे स्पीकर तो अनाउंस किया भी मैं इतने हाजिर हाँ किसी की जरूरत है तो अगे आ जाओ पर जदों बयान सुन BSF CRP ते पुलिस वाले सारे सन कोई भी नेड़े ना गया तो जो वो चला गया तो पिंड के लोगों के उत्ते जो पुलिस ने बहुत ज्यादा जुल्म किया।
और इन्नी दहशतगर्दी की कि पिंड के लोग जोड़े सन वो बहुत सारे लोग जोड़े सन छड़ के चले गए। तो आम लोगों में 15 जन गिरफ़्तार कर लिया गया तो गुरु ग्रंथ साहब के सरूपों अग ला दी गई, यानी इस तरह का जुल्म किया गया जिदे नाल लोगों च बड़ा रोस फैलिया। एक घटना 28 दिसंबर 1986 की है जो पुलिस के CRP ने ब्रह्मपुरा च जुल्म किए सन। 1988 की घटना भी 28 दिसंबर 1988 दिन सुखदेव सिंह राय से उसका पुत्र सुखबीर सिंह वासी स्वर्णनाथ नेड़े समराला लुधियाना में एक नकली मुकाबले मारता। इसे दिन ही कारज सिंह वासी सिद्धवा खाड़ा उन्होंने एक नकली मुकाबले मार दिता। 1990 की घटना है 28 दिसंबर 1990 के दिन पुलिस ने मुख्तियार सिंह पुत्र जगीर सिंह वासी बिहाड़का जिला अमृतसर में एक नकली मुकाबले मार दिता। इसे दिन पुलिस ने रविंदर सिंह रंबी उस जगह वासी जलालाबाद अमृतसर जिला को एक नकली मुकाबले मारता। 1991 की घटना भी 28 दिसंबर 1991 के दिन पुलिस ने मुख्तियार सिंह उर्फ माखा पुत्र हरी सिंह वासी फतेहगढ़ सवरा ते बूटा सिंह पुत्र राम सिंह वासी बंडारा नकली मुकाबले मार दिता। 28 दिसंबर 1992 की घटना है कि बबर खालसा का भाई धर्म सिंह काश्तीवाल जोड़ा वो इस दिन पुलिस घेरे च आ गया। जब उसने देखा भी बच के नहीं जा सकेगा तो उसने जोड़ा उन्हें को कैप्सूल सी कैप्सूल खा के अपनी जान दे दी। तो साइनाइड का कैप्सूल खा के जान दे दी। एक ख्याल रहे कि भाई धर्म सिंह जोड़ा एक बड़ा व्डा थम सी खड़कू डर का। इन्होंने दिनों से कुछ दिनों से तरविंदर सिंह बबर खालसा सुखदेव सिंह दासूवाल रणबीर सिंह सालों बख्शीश सिंह बल हुक्मी जगरूप सिंह रूपा निशान सिंह मखू भुपिंदर सिंह हरमिंदर सिंह सुल्तानविंड नवरूप सिंह टुटियाँ ये सारे जोड़े सन मारे जा चुके सन। ये खाड़कू डैर का तकरीबन नक् टुट गया। 1994 की घटना है कि 1994 की 28 दिसंबर में पुलिस ने नरेंद्र सिंह उर्फ सुखदेव सिंह पुत्र अमेर सिंह वासी दवाली नेड़े जंडियाली जिला जिन्होंने एक नकली मुकाबले मार दिता। 2006 की एक घटना है 28 दिसंबर की। 28 दिसंबर 2006 के दिन सोनिया गांधी राजीव गांधी की घरवाली तो राहुल गांधी की जिहड़ी है माता इंदिरा गांधी की नूँह अमृतसर आई है दरबार साहब गई है। जो अकाल तख्त से जान लगी तो उन्होंने अकाल तख्त से जान तो रोता भी तुम तो सरकार वे इंदिरा गांधी ने तेरी सस ने जोड़ा सी अकाल तख्त टाया गोलियां चलाया सीगा इस करके तुम्हें अकाल तख्त अकाल बुंगे की इमारत से चढ़न की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह घटना जी है 28 दिसंबर 2006 के दिन हुई सी। यह सन घटनावान 28 अक्तूबर दिन जारीख से रिकॉर्ड हुई ने। शुक्रिया।